चल। इलाहाबाद अंतरध्वनि प्रोडक्शन की तरफ से हम गायक कलाकार अखिलेश यादव जी की तरफ से यह बिरहा जिसका शीर्षक है साली के प्यार में घरवाली की हत्या। इसके निर्माता श्री लालजी पांडे जी हैं जो कि बहुत ही बुद्धिबल से VCD कैसेट आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमारी आशा और उम्मीद है कि ये VCD कैसेट जब आप लोग देखेंगे सपरिवार घर में बैठकर तो बहुत ही उत्तेजनाजनक बातें मिलेंगी, नसीहत भरी बातें आप लोगों के सामने आएंगी। चार लाइन भूमिका में बतावल गई कि आज का युग किस प्रकार है, लोग प्यार में क्या क्या कर डालते हैं, पवित्र नाम को किस तरह गंदा कर देते हैं। भूमिका में मास्टर कि अंकुरित हो गया बीज जब प्यार का, कि बन के पौधा प्रकृति का पनपने लगा, प्रेम की पंखुड़ी जब कली बन गई तब अली का भी हृदय मचलने लगा। हीरी रांझा रहे सी ही फरियाद भी कि लैला मजनू दिया प्यार में सभी लुटा, लिखते लिखते पपीहा किस शक्ति कलम, प्रेम परवान बन करे सदा मुस्कुराए। मास्टर दुई लाइन गजल बा, ए बाबूजी कहना पड़ा कि उड़ा करे उड़ा कर जुल्फ गालों से हमें बर्बाद करते हैं, उड़ा कर बातें पपिया जी। कि जला दो उन हसीनों को जो खुद पर नाज कर है, भाव में देखें कि समय की धार आस पर अचानक वार करती है, समय की धार आस पर अचानक वार करती है, समय की
भैया। कि खड़ा हो चाहे जो आकर उसे बेभाव करती है। नजम के लाइन में बतावल गेल मास्टर, प्यारे आशिक का भाव बन के रहता अंदर है, प्यारे आशिक का भाव बन के रहता अंदर है, आस की टूट न जाए वही समंदर है। प्यार की पंखुड़ी भवरे का बसेरा है, प्यार की पंखुड़ी भवरे का बसेरा है, कि हस्त कलियों पे लगाता उस पे फेरा है। घटना घट गई सही सुना प्रकांड हुआ, घटना घट गई सही सुना प्रकांड हुआ, थाना बदरपुर में अजब सकांड हुआ। जिला मुरादाबाद कठोर मऊ गांव रहा, जिला मुरादाबाद कठोर मऊ गांव रहा, वहीं पर बाबू हरि शंकर जी का ठाव रहा। पत्नी हीरा से हीरा गजब सयाया है, पत्नी हीरा से हीरा गजब सयाया है, धर्म देव सा ललन वो पाया है। ए बाबू कहानी आप लोग समझ लें, एकदम साफ साफ शीशा की तरह झलक जाए। कठोर मऊ गांव बाबूजी, जिला मुरादाबाद में कठोर मऊ गांव है, वहीं पर बाबू हरिशंकर जी की एक छोटी सी किसानी है। दो लोग हैं परिवार में बाबूजी, पति और पत्नी। पत्नी का नाम पत्रिका द्वारा हीरा बताया गया। दोनों बड़े ही मेहनत मजदूरी करके बड़े ही प्रेम से रहते थे। अरे बाबू, बहुत दिन तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन जब चौथा पन आया तो भगवान की माया देखें, ओके एक लड़का पैदा हुआ। लड़कवा इतना सुंदर बाबूजी कि प्यार दुलार में ओकर नाम धर्मदेव रखा। बाबूजी जब लड़का पैदा हुआ तो बड़ी खुशहाली थी। पास पड़ोस के बाबूजी औरतें मिलकर मंगल गीत गाती हैं। दुई लास्ट मास्टर बजोले। कहे अरे रुपया मांगे ननदी, रुपया मांगे ननदी, लाल की बधाई रुपया मांगे। रुपया ना दे भाई हमारे ससुर की कमाई, रुपया ना अठन्नी लैला ननदी। बड़ा बढ़िया गा रहे हैं। अठन्नी लैला ननदी लाल की बधाई, अठन्नी लैला। मास्टर साहब अठन्नी में राजी हो गई
ननंद उसकी लेकिन भौजैया चतुर रहे। फिर बोल पड़ी, अठन्नी ना देबे हमरे जेठ की कमाई, चवन्नी लैला नना दी, चवन्नी लैला नना दी, लाल की बधाई चवन्नी लैला। बहुत अच्छे निरंजन भैया, बहुत अच्छे। भैया ये औरतन के गाना बा जौन कभो न खत्म होए, लेकिन देखे बाबूजी गाना हो गया, बड़े सब लोग बड़े ही प्यार से रहने लगे, लेकिन समय के चलते धीरे धीरे करके धर्मदेव जो बड़ा होने लगा, लेकिन बाबूजी गरीबी से मजबूर, गरीबी के चलते खेती किसानी में कुछ पैदा नहीं होता था। हरिशंकर जी सोचने लगे कि यहाँ रहकर मैं क्या करूंगा, चलो कहीं शहर कमाया हूं। पूरा परिवार सहित बाबूजी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए, वहीं पे थाना बदरपुर में के आसपास बाबूजी एक मकान लेकर के रहने लगे। वहीं पे मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, लेकिन देखे धीरे धीरे करके जब धर्मदेव बड़ा हुआ तो एक दिन हीरा हरिशंकर की पत्नी बाबूजी अपने पति हरिशंकर से कहती क्या है कि हे पिया, अब अपना लड़का बड़ा हो गया, एका कहीं बढ़िया लड़की देख के शादी कर देता तो घर में बहू आती तो दो रोटी बना के देती, आप भी खाते और मैं भी खाती, ये बुढ़ाई में अब हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। ए बाबूजी, हरिशंकर जी सोच गए कि मेरी पत्नी ठीक कह रही है। करती क्या है करते हैं बाबूजी कि अपने नात रिश्तेदारों से कह करके और धर्मदेव की शादी की तैयारी कर दी है। लड़की बहुत बढ़िया मिली और शादी की तैयारी हुई। बाबूजी बारात गई और जब बारात पहुंच गई द्वारे पे तो देश रीत है कि खाना हुआ दाना हुआ और जो भोरही में बाबूजी खिचड़ी खियावता है तो ये माँ बहने गौ नई गीत गावत। कैसे गावत है माँ? हमारे तरफ गावत है मास्टर साहब, कैसे गा रही हैं? ओरी नवोरी पर गए पतरिया हो, सजना बैठ जाका झोरी सिया राम के भजो, और क्या कह रही हैं? पाहे न पतरी काहे न के दो ना हो, काहे न काहे न डोबे डो भाई सिया राम के भजो। बहने के गीत में कोई लेखक नहीं होता, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया उपमा दे रही हैं। पाने न पतरी पाने न के दो ना हो, पाने न पतरी लौंगा न डोबे डो भाई सिया राम के बचो।
कि गीत में बताया कि औरतन के गाना कतो न खत्म हो। ए बाबूजी खाना होएगा, दाना हो गया, दुल्हन घरे आई। दुल्हन का नाम पत्रिका द्वारा बाबूजी कुसुम बताया गया। दुल्हन बहुत खूब सुंदर, दुल्हन के मन का दुल्हा और दुल्हा के मन का, लेकिन ए बाबूजी दोनों में प्यार बड़ा अजीब रहा। इतना बढ़िया प्यार कि जब तक दोनों एक थाली में बैठ के संझा के खाना ना खा ले तब तक उनके पेट ना भर जाए। इतना बढ़िया दोनों में प्यार है। ए बाबूजी समय गुजरता गया, दोनों बड़े हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत करते थे। बाबूजी एक तर्ज लगा, साड़ी हम ना पहिरबे राजा, हे राजा की साड़ी हम ना पहिरबे राजा, रलिया के डराइबर साड़ी यह तर्ज हुआ। लेकिन देखें गाने के भाव में क्या बात है, कि जीवन भइले खुशहाल घरवा आवेली मेहरिया, जीवन भइले छूटल नहीं हरवा की थाती, छूटल नहीं हरवा की थाती, गईले सब ही बन के बराती, फसल गैल जाल घरवा आवेली मेहरिया, प्रेम के ए बाबूजी दोनों बड़ा अजीब प्यार रहा और समय के चलते समय बीत रहा है। दोनों हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ए बाबूजी देखें आगे होता है क्या। मास्टर एट तर्ज बा, मास्टर साहब कोनो लड़का की शादी भइल रहा, मेहरारू बड़ी जोरदार रहा, और बाबूजी और शादी करके जब मेहरारू घरे लिया हुआ तो रोज क्योंकि नियम रहे कि मेहरारू को घरे छोड़ के चला जाए खरियान सूते, नई मेहरारू कब तक बर्दाश्त करे। मास्टर साहब एक दिन अपने पति से बोल पड़ी, का ऐसे काम रोज तू हमका घरे छोड़ के अकेले चले जाता खरियान सूते, कैसे काम चले, कहना पड़ा। सही है मास्टर, हाँ कि छोड़ी काहे का सुतेला खारी हनवा ए बलम जी, कि छोड़ी काहे का सुतेला खारी हनवा ए बलम जी, काहे बाद लई गईले गाँव हनवा ए बलम जी, हाँ काहे होता।
लेकिन गाने के भाव में देखें होता क्या है। हंसी हंस बितावे लन, हंसी हंस बितावे लन, जवनी आए हो मितवा, राजा भैले राजा दूलन, रानी आए हो मितवा। बारी बारी दुई गांव में है मान घर वाया आई, राजा भैले राजा दुल्हन, रानी आए हो मितवा। ए बाबूजी, हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। धर्मदेव और कुसुम बड़ा खुश है बाबूजी, लेकिन समय के चलते बारी बारी से उनके दूठ लड़का पैदा हुआ। बड़े बच्चे का नाम बाबूजी सूरज रखा और छोटे का नाम नीरज रखा। जिंदगी चल रही है किसी तरह से, लेकिन बाबूजी गरीबी साथ नहीं छोड़ रही। यही गरीबी में बेचारे मजबूर थे, लेकिन देखें एक दिन होता है क्या कि उसकी छोटी साली, जिसका नाम बाबूजी पत्रिका द्वारा मेनका बताया गया, अपने पति धर्मपाल के साथ अपने जीजा धर्मदेव के यहाँ घूमने आती है। और जब उसके यहाँ घूमने आई बाबूजी, अपने बहन और बहनोई की हालत को देखा तो बिचारी जी बिचारी फूट फूट कर रोने लगी। छोटे छोटे बच्चों को फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा देख करके बच्चों को गले लगा के रो रही है कि हे भगवान, इतने सुंदर बच्चे और गरीबी में इनका ये हाल। तो अपने पति धर्मपाल से कहती है कि पिया देखो, ये गरीबी में बच्चे कैसे त्राह त्राह कर रहे हैं, अगर पिया थोड़ा सा मदद हमारे बहनी बहनोई की कर देता तो कम से कम दो वक्त की रोटी ये भी तो सुकून से खाने लगते। धर्मपाल बोल पड़ा कि इनकी मैं क्या मदद करूं। मेनका कहने लगी कि पिया अगर थोड़ा बहुत पैसा दे के कोनो धंधा खुलवा देता तो कम से कम सुकून की दो रोटी तो खाते। बाबूजी धर्मदेव मन में ये बात आ गई, धर्मदेव के मन में ये बात आ गई और बाबूजी धर्मपाल और धर्मदेव दोनों मिल करके पैसा दिया धर्मपाल और धर्मदेव को एक फल की दुकान खुलवा दिया वही बदरपुर थाने पास बाबूजी। और दुकान भगवान की देन चलने लगी, और जब चलने लगी तो घर का सारा खर्चा ठीक ठाक हो गया, अच्छी तरह से चलने लगा बाबूजी। और उसी में से पैसा कमा करके धर्मदेव जैतपुर में एक मकान खरीद लिया, मकान खरीद लिया बाबूजी। अब बड़े ही शान शौकत से रहने लगे, अपने दोनों बच्चों को बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जिंदगी ऐसे कटने लगी। लेकिन अचानक देखें एक घटना घट गई मास्टर। क्या घटना घट गई? कि बीतल समैया के ए बाबू देरी नहीं लगे हरत पुलवरिया में लागी गई अगिनिया।
अचानक जलते लंपे गिर जला पेटवा पे हो कुसुम की जली गईली आग से बदन ए बाबूजी अचानक एक घटना घट जाती है। कुसुम अपने कमरे में शाम को वक्त है सो रही है, बगल में रखा हुआ चिराग बाबूजी वही जल रहा है और पता नहीं कैसे हो गया कि आकर कुसुम के पेट पर जा गिरा। कुसुम बिचारी जलने लगी और जलने लगी बाबूजी तो आवाज मचाने लगी, शोर मचाने लगी, लेकिन देखे वहाँ आसपास कोई नहीं था और जब तक लोग आते तब तक कुसुम काफी जल चुकी थी। ए बाबूजी ले जाके अस्पताल में उसको भर्ती कराया, उसका इलाज करवाया, भगवान की महिमा देखे तो गई लेकिन उसका सारा शरीर जल गया। लेकिन बाबूजी देखें आगे होता है क्या, यही जब कुसुम को घर लाया तो धर्मदेव देख देख कर सोचने लगा कि हे भगवान मेरी खूबसूरत पत्नी जिसे मैं इतना प्यार करता था आज वो देखने के लायक नहीं है। बाबूजी धर्मदेव के घर का सारा काम काज बिगड़ने लगा, बच्चे बेचारे बिना खाना पीना के तड़पने लगे। लेकिन देखें होता है क्या, मन में धर्मदेव एक दिन सोच रहा है कि चलो मैं अपने साली के पास जिसका नाम मेनका है चलो उसको कुछ दिन के लिए बुला लाऊं तो मेरे घर का काम काज तो करेगी, मेरे बच्चों की देख रेख करेगी और हमको खाना बना कर देगी, अपने बहन की सेवा करेगी। मास्टर जेही नते के मरदे अरे मारत मिसे कालबा देखाई है रखले मोबाइल, देखाई है रखले मोबाइल बहुत बालबा देखाई है रखले मोबाइल। गाने के तर्ज लेकिन देखें धर्मदेव अपने ससुराल चल लिया, मेनका उस समय अपने मायके में थी और वही चल दिया धर्मदेव, होता क्या। गईले धर्मदेव एक दिन, गईले धर्मदेव एक दिन घूमे ससुराल हो सालिक देख लुभाइले, कि सालिक देख के लुभाइले गोरा गोरा गाल हो सालिक देख के लुभाइले। ससुराल पहुंच गया, सास ससुर बैठे हुए हैं, पानी उन्हें पीने को लिया है बाबूजी, पानी पिया और संजोग से उत्ते में मेनका निकल पड़ी। कहना पड़ा मैंने का बनाम जैसे चले जसनगिया हो, चाकर्मा कर देखे जैसे विपिन में हिरानिया हो, मन रूपी भावरा उड़ी उड़ी, मन रूपी भावरा उड़ी उड़ी झूमे डाल डाल हो
अपने ससुराल पहुंच गया। ससुर बैठे हैं, सब केहू बैठा, बाबूजी पानी ओनी दिया पिलाने के लिए, पीने के लिए पानी ओनी पानी दिया, पीने लगे और पी करके बाबूजी सास ससुर हाल चाल पूछने लगे। कहा बतावा का हाल चाल, कैसे आना हुआ। उतना में बाबूजी मेनका आ गई, बढ़िया हिसाब किताब बनाए उसकी छोटी साली। मास्टर साहब धर्मदेव अपन सारा दुख भूल गो, ऐसा हिसाब किताब बनाए रहे। मेनका पूछे लगी अपने जीजस का, जीजा और जो जीजा का नाम सुनी धर्मदेव तो के कहती जो न जैसे कौआ निहारे। ए बाबू जी कतो के होठ की लाली देखे थे, कनो आंख का काजल देखे थे, अपने साली में एकदम मग्न है। लेकिन साली पूछ रही कि जीजा कैसे आना हुआ। ये थे तर्जबा मास्टर बता रहा है। अपने साली से बता रहा है का, यार बड़की बहिनिया हो, बड़की बहिनिया बीमार भैली तोहरी, बड़की बहिनिया बीमार हार खुनवा के कमी से, खुनवा के पियर भाई बदनिया हो, बीमार भैली तोहरी बड़की वाली बहिन दिल में ममता बजागी। रहिया न जाल जलत जैसन की आदी, और चंद बिना जैसे, हाँ चंद बिना जैसे कि धूम ले चंदनिया हो, बीमार भैली तोरी बड़की बहिनिया। ए बाबूजी धर्मदेव अपने साली से बता रहा है कि तुम्हारी दीदी कुसुम सो रही थी शाम को, अचानक पता नहीं कैसे चिराग उसके पेट पर गिर गया और वो बुरी तरह से जल गई। बाबूजी जब इतनी बात मेनका सुना तो रोने लगी और कहा जीजा बताइए हमारे लायक क्या सेवा है। कहा कि तुम्हारे लायक बस इतना ही है कि मेरे साथ चलती मेरे घर, दो चार दस दिन रहती मेरे यहाँ, मेरे बच्चों की देख रेख करती, अपने दीदी की सेवा करती, उसके बाद जैसे तुम्हारी दीदी कुछ चलने फिरने लायक हो जाती मैं तुम्हें भेज जाता। मेनका सोच गई कि मेरे जीजा सही कह रहे हैं, इस समय इनको बहुत परेशानी है, मुझे इनके साथ चलना चाहिए। मास्टर कहना पड़ा खाटी भोजपुरी में।
ब्यावली जी जाके साथे लहुरी बाहिनिया हो लहुरी बाहिनिया हो मनवा धरे नाही धीरज की सेवा में लीन भैली बहुत गमगीन भैली बहुत गमगीन भैली बरसे नया नवा से नीरज विद्या के पायर धैली सेवा में लीन भैली सेवा में लीन भैली उठली बाहिनिया से नीरज हो वल सोवाई लागल जीजा का इश्क जागल जीजा का इश्क जागल गोलिया मिलाई पापी धीरज बाबूजी मेनका को अपने घर लेके आता है और जैसे मेनका देखा अपने बहन को फूट फूट कर रोने लगी और अपने दीदी से कहा कि दीदी चिंता मत करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी यही बातें समझा रही है बाबूजी लेकिन देखें उधर धर्मदेव की निगाह उसके साली पर टिकी हुई है जैसे कि हमारे हमारे माननीय कवि श्री राम सूरत पपीहा जी ने बताया कि बेटा मोची की निगाह जूता पर वैसे धर्मदेव की निगाह के साली पर टिकी रही ए बाबूजी अब करता क्या है कि बार बार अपने साली को प्रयास करता है कि ये मेरे प्रेम जाल में फंस जाए बार बार उसे लाइन मारता है लेकिन देखे कौनो कला चलत नहीं बा मास्टर कौनो कला नहीं चल रही थी कई दिन से बेचारा परेशान था तो एक दिन उसके मन में एक बात आई कि क्यों ना इसे मैं नशे की गोली मिला दूं इसके खाने में नशे की गोली मिला दूं तभी कुछ काम हो सकता है बाबू जी बाजार से नशे की गोली लाया नशे की गोली ला करके उस दिन बाबू जी घर में खीर और पूड़ी बनी है सबको खिला दिया दोनों बच्चों को खिला दिया अपने औरत को खिला दिया और साली केवल उसकी बची बाबू जी और स्वयं खा लिया केवल साली बची और साली बैठ करके अपने दीदी कुसुम के पैर दबा रही है जब सब लोग खा लिए तो धर्मदेव पहुंचा अपने साली मेनका के पास और उससे बड़े प्यार से कहता है कि मेनका जाओ तुम भी खाना खा लो सब लोग खा लिए अरे ये दीदी की सेवा तो जिंदगी भर करेगी जाके तुम भी खाना खा लो नहीं खाना ठंडा हो जाएगा मेनका सोच जाती है कि मेरे जीजा सही कह रहे हैं अगर खाना ठंडा हो गया तो खाने का मजा ही क्या बाबू जी मेनका जाती है और खाना निकाल के खाने लगती है खाना खा लिया बाबू जी लेकिन जब कुछ देर हुई तो उसे नशा सताने लगा नींद आने लगी बेचारी गई अपने कमरे में बिस्तर में लेट गई जब धर्मदेव रात के करीब 10 बजे हैं जब धर्मदेव देखा कि सब लोग सो गए मेनका भी सो गई तो धीरे से दरवाजा खोलकर मेनका के कमरे में जाता है मेनका सो रही है जाके बाबूजी उसी के बिस्तर में आप भी लेट जाता है आगे पर्दा के अंदर बात मिलेगी कि रात भर क्या हुआ और जब बाबूजी सुबह मेनका की निगाह खुली तो बगल में जीजा लेटे हैं बगल में जीजा लेटे हैं मेनका सोच जाती है कि मेरी सारी इज्जत बर्बाद हो गई अब मैं क्या करूं हे भगवान मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता बाबू जी मेनका के मन में एक बात आई कि अगर ये तो मेरे जीजा हैं अगर मान लीजिए मैं ये बात किसी से कहती हूँ तो बिज्जती हम दोनों की होगी और दोनों अपने हैं कहा गया मास्टर कि ये हाथ काटो तो दर्द होगा ये हाथ काटो ए बाबू जी तू सोचती कि क्यों ना मैं अपने जीजा से वो कह ले निरंजन मास्टर वो का मतलब समझाता है लव का कोड भाषा है का वो कह ले अब बाबू जी धीरे धीरे दोनों में प्रेम होए लगा और दोनों एक पर एक दूसरे पर मर मिटे की कसम खाए लगे मास्टर साहब प्यार तो हो गया दोनों में लेकिन देखें प्यार में तकरार हो गया मास्टर साहब तेरी का भाव मिला अरे धूम मिले
अधरों की लाली हो गई, ओ धूमिले अधरों की लाली हो गई, पागल हुई प्रेम में झुकी चमन कई डाली, आई हो डाली आई हो डाली। दोनों प्यार में मस्त थे, लेकिन ए बाबू इतना ज्यादा दोनों प्यार में मस्त थे कि धर्मदेव ये भी ना सोचा कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरी पत्नी अभी जिंदा है इसका क्या होगा। लेकिन बाबूजी दोनों प्यार कर बैठे, जितना मेनका को धर्मदेव चाहता था उतना मेनका अपने जीजा धर्मदेव को चाहने लगे। लेकिन बाबूजी कहना पड़ा, तर्ज है एक थे। सही है, मास्टर साहब कौनो मेहरारू कौनो सोनार के दुकान में लाहटी रहा है। ओके डेली के नियम बा कि दुकान खुले है वो पहुंच जाए। सेठ बैठे रहे एकदम हमरे मास्टर निरंजन जैसे बैठे रहे सेठ जी, और अतिया पहुंची 100 रुपया लेके। कहा महाजन, कहा के ये तोहार झुमको बड़ा अच्छा लगा था। कहा कितने के बा, कहा ज्यादा नहीं 200 रुपया के। कहा महाजन आज तो हम 100 रुपया लेके आए, ला बोहनी कैला कल आओ तो दई दे। ऐसे कह के बाबूजी झुमका लेके चली गई। दूसरे दिन फिर चली आई और कहा थे कि महाजन का कनवक बाली कितने के बा, का ये 400 के बा, का हम तो 200 ले आए हैं, एक आज दई दे कलाऊ तो सब दई दे। ऐसे ऐसे कह के मास्टर साहब सोनार की सारी दुकान खाली कर दे। सोनार वो मस्त रहा है, वही औरतिया का देख के हो ऐसा मस्त रहा है कि अगर एक दर मुस्कुराए दे या चांद आ जाए तो सवाल लो सामान तो सब दईन दे, कुछ वो दे दे रुपया पैसा। और जब सारी दुकान खाली होगी तो सुनरा कहत का है, मुड़े पे हाथ धर के करता है, कहते आपका चाहिए का सुनरा के सगरियू दुकान ले बुका हो। बोला बोला धनिया परा ले बुका हो, बहुत अच्छे निरंजन मास्टर बहुत अच्छे। यह गाने का तर्ज है लेकिन भाव में देखें। जी जय और साली का भाव बड़ल बाड़े, जी जय जी जय और साली के भाव बड़ल बाड़े, बहन के बहिनिया से घाव बड़ल बाड़े। एक दिन बीता दुई चार दिन बीता, एक दिन बीता दो चार दिन बीता, एक दिन बीता दो चार दिन बीता, पाप के पजरावा ही अरवा के जीता,
रोज रोज दुनाव के चाव बड़ल बाड़े हो बहन के बहनिया से घाव बड़ल बाड़े बाबूजी सोचने की बात है कि आज सगी बहन अपने बड़े बहन के साथ घात कर दिया, उसके पति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका पति भी अपने साली को प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन आगे होता है क्या मास्टर साहब कि दोनों में इतना बढ़िया प्यार था बाबूजी कि दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खाने लगी। लेकिन देखे कहानी यहाँ से मोड़ ले लिया मास्टर साहब। दोनों ये सोचने लगे कि अगर कुसुम जिंदा रहेगी, अगर कुसुम जिंदा रहेगी तो हम दोनों लोगों का प्यार सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से खुले दिल मिल नहीं सकते। ए बाबूजी, दो मेनका कहने लगी कहा कि क्यों ना जीजा, क्यों ना दीदी को मार दिया जाए। ए बाबूजी, यही बात दोनों मन में विचार कर रहे हैं और दोनों बाबूजी लेकर के गड़ासा अब पहुंच गए अपने दीदी के कमरे में, जहां कुसुम लेटी हुई है। कुसुम का पति धर्मपाल धर्मदेव बाबूजी और उसकी छोटी बहन मेनका हाथ में गड़ासा लेकर और रस्सी लेकर पहुंच गए और अपने दीदी को झकझोर कर उठाते हैं। सो रही है बेचारी और जैसे हाथ लगाया बाबूजी कुसुम उठ गई और जब उठ गई बाबूजी तो देखा कि मेरी बहन हाथ में गड़ासा लिए हुई है, मेरा पति रस्सी लिए हुए है। आखिर बात क्या है? बेचारी पूछने लगी कि मेनका क्या बात है, कैसे आना हुआ मेरे कमरे में? बाबूजी अपने पति से पूछ रही है कि पिया इतनी रात के आप कैसे मेरे कमरे में, कभी तो नहीं आते थे, आज कैसे दोनों लोग आ गए? बाबूजी धर्मदेव बोल पड़ा, कहा कि आज हम दोनों तुमको मारने आए हैं। बाबूजी जब मारने का नाम सुना तो बेचारी हाथ जोड़ करके अपने पति का पैर पकड़ के रोने लगी मास्टर जी तर जी। यही तर्ज हमारे कवि माननीय श्री राम सूरत पपीहा जी बजा रहे हैं। बाबू दारोगा जी, बाबू दारोगा जी, कौन गुनैया देता हमके मार। बाबू दारोगा जी, लेकिन गाने के भाव में देखें कुसुम अपने पति का पैर पकड़ के क्या कह रही है। रे मोरे सैया हो कि अरे मोरे सैया हो, कौन गुनैया देता हमके मार। पिया कौन गलती हो गई पिया, कहे बदे आज हमके मारे बदे दोनों चले आए। कभी बाबूजी अपने पति का पैर पकड़ती है तो कभी अपनी छोटी बहन मेनका के, का बहन कौन गलती हो गई मुझसे, कौन भूल हो गई हमसे जो तुम दोनों आज मुझे मारने चले आए। अपने पिया का पैर पकड़ के कहती है, पैर पे शीश हमार पड़ल बा
देता आज बताई हो। अरे दुई नौ लाल के छोड़ के कहवा, छोड़ के कहवा जाइयो कर माई की हर मुर सैया हो, हर मुर सैया हो। कौन गुनैया देता हमके मार, भावर घूम के सैया आप दुल्हा बन जाला। अरे मीठा देत क्यों सिंदूर हमार, रोव छोड़ भोकार की अरे मोरे सैया हो, अरे मोरे सैया हो। कौन गुनैया देता हमके मार, बाबूजी लाख कोशिश अपने पति और बहन के पैर पकड़ के करती है, लेकिन पापी बाबूजी एक नहीं सुना। रस्सी से पैर बांध दिया बाबूजी, और गड़ासा से बाबूजी गड़ासा हाथ में ले लिया धर्मदेव, और उसकी बहन पैर दबा लिया, और बाबूजी बेरहमी से आज कुसुम की हत्या कर दिया। ये तो मरने वाला ही जान सकता है बाबूजी कि जान किस प्रकार से निकलती है। आज बेचारी कुसुम इस दुनिया में न रही, दो छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के हो गए। कहना पड़ा मास्टर पापटवा में, पापटवा में कहना पड़ा। सही है। अरे दबा के पापी काट दिया गर्दनवा छतिया फाटेला, अरे दबा के पापी काट दिया गर्दनवा छतिया फाटेला, अरे छोड़ के भागा पिंजड़ा सैसु गनवा छतिया फाटेला। जैसे होवेला बरसाओ, और गए पराई तुरत वहां से सुनी भैले रात हो। अरे रही रही बरसे सावन जस नया नवा छतिया पाटेला, और छोड़ के भागा सुना से पर नवा छतिया पाटेला। बाबूजी रातों रात कुसुम की हत्या करके दोनों फरार हो गए। सुबह हुई बाबूजी थाने में खबर गई, दरोगा जी आए, उसके नैहर खबर गई, उसके माता पिता आए। बाबूजी कहना पड़ा बनारसी आलम,
कौन ऐसा पक्षी जग में होला बतावा भैया, एक मील पहले देखे ला निज सीका, धन जग में ऐसा होला बतावा भैया, जितना खर्च करे उतना बड़ी जा, लेकिन बतावल गई बाज जैसे पक्षी उड़े याद आसमनवा है बाबू, एक मील पहले देखे ला निज सीका, विद्या धन जग में ऐसा होला बताई भैया, हरे जितना खर्च करे उतना बड़ी जा, लेकिन गाने के भाव में देखें कि माने नहीं के पापी लिए ले, माने नहीं के पापी लिए ले दुलही के पर नवाए बाबू, हरे लसिया बगाई दुइना हो गई ले परहा, घरवा पे आइले जब थाने कैसी पहिया है बाबू, बदरपुर थानावा पे माचल हाहाकार, अरे सदर से एस पी मालिक अले थाना पर बरिया भैया, बाबूजी दोनों रातों रात कुसुम कुमार के भाग गए, और जब बाबूजी वही पास में थाना सदर था, बाबूजी थाने में जब रिपोर्ट गई वहां से सुबह एसएसपी उस समय मलिक जी थे, सारा खबर सुना और अपने फोर के साथ बाबूजी धर्मदेव के यहाँ पहुंच गई, पता लगाया लाश का पोस्टमार्टम किया बाबूजी और उन दोनों की खोज जारी कर दिया। लेकिन देखे बाबूजी होता क्या है, बाबूजी दोनों पकड़ा गए, बड़े मेहनत के बाद दोनों को पकड़ लिया गया, और पकड़ के बाबूजी जब उनकी पिटाई हुई तब सारा राज उगल दिया, कहा कि हम ही ने कुसुम की हत्या किया है, कहा किस वजह से किया, दरोगा बाबू पूछने लगे कि किस वजह से किया, कहा कि हमको अपने साली से प्यार हो गया था, और जब साली के पास पहुंची लेडीज पुलिस तीन चार तमाशा मारे, कायकास बहुत प्यार का भूत सताए रहा ना, और बाबूजी जब मारे तीन चार हाथ तो सारी बात कबूल दिया, कहा कि हमने ही अपने दीदी की हत्या की है, हम दोनों मिलकर के कुसुम की हत्या कर दिया, कहा अगर हत्या कर दिया तो चलो जेल, दोनों को हथकड़ी लगाया बाबूजी और ले जाकर जेल में डाल दिया। बाबूजी इसके बाद हमारे गाने का यही पे अंतिम हो गया, लास्ट में गुरु घराने का परिचय मास्टर गुरु
गुरुवर हैदर अली हो गए भैया स्वर्ग निवासी। अरे करैले के नी कभी पपीहा, चाई गजब उदासी हो, धूमिले अधरों की लाली हो गई। अरे राम धूमिले अधरों की लाली हो गई। आग यादव अखिलेश के रतिया हाँ कहे मैहर वाली, धूमिले अधरों की लाली हो गई। माननीय आप हमारे गुरु स्वर्गीय श्री हैदर अली जी, साथियों आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये सुनकर हम बच्चों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन बाबूजी कहा गया है कि विरह सम्राट का एक कोना अधूरा हो गया। आज वो चीज हमारे समाज में नहीं मिल पाएगी जो हमारे बीच माननीय हैदर अली जी के मुखारविंदों से मिलती थी। बाबूजी उनका देहांत दिनांक 20 अक्टूबर को हो गया। बाबूजी आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ है। लेकिन कहना पड़ा मास्टर, जिल मिल सितारों का सावन होगा, जिल मिल सितारों का आंगन होगा, रिम जिम बरसता सावन जी।